राजधानी दिल्ली के केशवपुरन महाराणा प्रताप भवन में राजपूत समाज दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिस तरह से कई राज्यों में कुछ अन्य समाज के लोगों द्वारा हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे महापुरुषों को अपना वंशज बताया जा रहा है। जैसे हाल ही में पहले दादरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेरठ, कैथल, हरियाणा में सम्राट प्रतिहार मेहर भोज को व राजा अनकपाल तोमर जी महापुरुषों को अपने वंशज बता रहे हैं और जगह जगह उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं, जिन पर गुजर सम्राट प्रतिहार मेहर भोज लिख रहे हैं, जो कि हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ समाज के लोगों द्वारा गलत किया जा रहा है। वहीं राजपूत समाज के लोगों ने बताया कि हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि राजपूत समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा 17 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम दिल्ली 35 में एक महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें एक कमेटी गठित कर कानूनी कार्यवाही करने को तैयारी की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसमें भी बात नहीं बनती है तो सभी तन मन धन से एक साथ होकर एक बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अपने क्षत्रिय समाज के बंधुओं को, भाई बहनों को, कि भी आगामी आने वाली 17 तारीख को अपने महापुरुषों के इतिहास को बचाने के लिए जो हम लोगों ने महापंचायत बुलाई है, हाथ जोड़कर सभी से अपील करते हैं कि वो भारी से भारी संख्या में 17 तारीख को महाराणा प्रताप केशव नगर केशवपुरम दिल्ली 1135 के अंदर जो अपना भवन है यहीं पर वो बैठक महापंचायत बुलाई गई है, आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहें। हम अपने 70 गांव राजपूतों के इसमें गजट में दर्शाए गए हैं, जिसके अंदर में हम लोग एक महा खाप पंचायत का भी गठन करने वाले हैं। खाप पंचायत का गठन सभी समाज के लोगों को साथ मिलकर करेंगे। आने वाली 17 तारीख को इसकी एक टीम गठित करेंगे, जो समाज के हित का कार्य होगा, सभी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के इसको गठित किया जाएगा। मिशन न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।